नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे गोरखपुर का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का हुआ समापन। तिथियों ने छात्र छात्राओं को कर्मठ और संस्कारिक बनने की दी नसीहत। 23 मार्च को हिंदू चेतना मंच लहराएगी विश्व का सबसे लंबा तिरंगा। वाहन चेकिंग के दौरान सहजनवा पुलिस को मिली सफलता, बरामद की 3 मोटरसाइकिलें। और विश्व मानवाधिकार दिवस पर लोगों के अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का रविवार को गोरखनाथ परिसर में समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मानव जल संसाधन व नदी विकास मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या से आए महंत सुरेश दास, प्रोफेसर यूपी सिंह, प्यारे मोहन सरकार, फतेह बहादुर सिंह, प्रोफेसर शिवाजी सिंह, धर्मेंद्र नाथ वर्मा, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, महेंद्र पाल सिंह, शीतल पांडे, महापौर सीताराम जायसवाल, भगवान सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दिग्विजय नाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और अतिथियों का स्वागत गीत की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने भारतीय राष्ट्रीय और संत परंपरा व योग प्रशिक्षण पुस्तक का विमोचन किया, जिसके पश्चात इन्हीं छात्राओं ने कुलगीत की प्रस्तुति की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय मानव जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश को योगी जैसे कर्मठ मुख्यमंत्री मिले हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराणा प्रताप के नाम पर शिक्षा परिषद की स्थापना करना, यह अपने आप में गर्व की बात है। जहाँ बच्चों में कूट कूट कर संस्कार भरा जाता है, उन्होंने छात्र जीवन में वस्त्र, वाणी, स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व को बताकर इससे प्रेरणा लेने को कहा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में किसी को भी कभी भी असफलताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि कोई कार्य संकल्पित होकर किया जाए तो उसे पूरा करने में कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने परिषद द्वारा आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। सिद्धाय शुद्ध बुद्धाय मुक्ताय प्रयतात्मने गोरक्षाख्याय कस्मै चिन् नमो नाथाय तेजसे आदिनाथं नमस्कृत्य मत्स्येन्द्रं दिग्विजयं त्वहं चन्दन मरन्दमलविन्दधुता प्रसन्नम् मङ्गलमूलमनिसंविगसुगन्धम् पापापहं प्रणतताप ते महापुरुष ते चरणारविन्दम् येन प्रतापसिंहस्य नाम्ना तासाङ्कितास्तथा संस्था नाथं वन्दे दिग्विजयाख्यं दिशि दिशि विदिशे ख्यातं गामवजित सुचरितैरेवं जेतुं देवं प्रयातं गोरधीरन्धीरगभीरं श्वेतनेतं कमलविजयित्रं वक्त्रं परमपवित्रम्।
श्वेतनेत्रं कमल विजयित्रं वक्त्रं परम पवित्रं मज्जयति समुदर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष तथा भारतीय इतिहास संकलन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर शिवाजी सिंह साहब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर अविनाश जी से निवेदन करता हूँ कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से माननीय
स्वागत करता हूँ। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमें केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी का मार्गदर्शन प्रशासन मिलने जा रहा है। नवीन प्रशासनिक सेवाओं के बाद आपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए राजीव जीवन में आए पदार्पण किया और आज सौभाग्य से हमारे केंद्र में एक कई दायित्वों को लेते हुए एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मानव संसाधन मंत्री के रूप में आप में छात्रों विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के बारे में आप आगे अनेक चिंताएं हैं जिनका कि लाभ नई पीढ़ी को मिलेगा। मानवता शिक्षा परिषद 1925 में स्थापित हुआ। स्थापना की उसमें मात्र एक संस्था थी मानवता इंटर कॉलेज। धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और आज लगभग 4 दर्जन संस्थाओं के माध्यम से हम राष्ट्रीय विचारों को लेकर के शिक्षा दे रहे हैं। प्रवीण महाराज जी का यह मत था कि विकास के 3 पद होते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। तीनों पदों के माध्यम से राष्ट्र का विकास होता है। हमारी संस्थाओं में भी ये है कि हमारी जो यंग पीढ़ी के बच्चे निकलें उनको अपने देश की सांस्कृतिक पहचान हो, सोशल हार्मन में विश्वास करें और अपने शैक्षिक गुणवत्ता के माध्यम से वे देश की महासेवा करें। प्रति वर्ष हम ये कार्यक्रम 10 सितंबर को करते हैं और देश की मानी जानी वक्त हस्तियों को हम लोग बुलाते हैं। आज सौभाग्य से आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका, आपकी माननीय धर्मपति जी का और अन्य सक्रिय अतिथियों को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा आपके इस मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वचन से इन पीढ़ियों को, सब यहाँ पर नहीं है, कुछ यहाँ पर है, लेकिन आपका संदेश हर वर्ग तक पहुँच जाएगा। समस्त संस्थाओं के प्राचार्य प्राचार्य यहाँ पर हैं, उनके माध्यम से आपका संदेश, आपका उद्बोधन, आपका मार्गदर्शन, आपका निर्देशन उन तक पहुँच जाएगा। तो आपके आशीर्वाद से उनको एक प्रेरणा मिलेगी और महाराज प्रताप शिक्षा परिषद के लोगों को भी अपने काम को आगे बढ़ाने के अंदर प्रेरणा मिलेगी। मैं श्री सत्यपाल सिंह साहब मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री का उत्तरीय और स्मृति चिन्ह प्रदान कर इस सभागार में स्वागत करें। माननीय सत्यपाल सिंह जी मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भारत सरकार का उत्तरीय और स्मृति चिन्ह के माध्यम से गोरक्षपीठ के सभागार में अभिनंदन और स्वागत। और इसके पश्चात मैं महाराज श्री से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय श्रीमती अलका सिंह जी मिश्र माननीय सत्यपाल सिंह जी का उत्तरीय प्रदान कर उत्तरीय के माध्यम से सम्मानित करते हुए पूज्य महाराज श्री। इसके बाद ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपनी शताब्दी पार करने के पश्चात हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय सदस्य श्री प्यारे मोहन सरकार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब करता हूँ कि इस पुस्तक के विमोचन के लिए पुस्तक का विमोचन भारतीय राष्ट्रीयता एवं संत परंपरा, भारतीय राष्ट्रीयता एवं संत परंपरा शोध पत्रों का संकलन महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल घोषण में संपन्न सेमिनार का, डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब और मंच पर विराजमान डॉक्टर अलका सिंह जी, प्रोफेसर प्रताप सिंह साहब,
प्रोफेसर शिवाजी सिंह साहब, डॉक्टर श्री धर्मेंद्र नाथ वर्मा जी, श्री प्यारे मोहन सरकार जी, माननीय सुरेश दास जी, भाई अन्ना जी, पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और मैं उनका बहुत ही सबसे पहले उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं और मेरी पत्नी दोनों यहां पर आए, जिस प्रकार से महाराज श्री का जिस प्रकार से अपने को स्नेह मिला, जैसे आशीर्वाद मिला, मैं पॉलिटिक्स में बहुत नया हूं और मंत्री तो बहुत नया हूं, 3 महीने का हूं। इस उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने मंत्री होंगे, देश के अंदर कितने मंत्री होंगे, लेकिन ये सौभाग्य महाराज श्री ने मुझे दिया, इसलिए विशेष रूप से उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सुरेश दास जी महाराज अयोध्या से, प्रोफेसर वीके सिंह जी, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर शिवाजी सिंह जी, जिनको अभी 101 साल की उम्र के बाद जिनका आज यहाँ सम्मान किया गया, परमात्मा करके उनको और बहुत लंबी आयु दे, आदरणीय प्यारे मोहन सरकार जी, हमारे माननीय विधायकगण, यह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी, गोरखपुर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी विशिष्ट अतिथियों, सभी प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थीगण, प्रशासन के सभी अधिकारी, मीडिया के सभी मित्रों और प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले शायद कोई सोच नहीं सकता था इतिहास के अंदर, किस गोरखपुर की इस पवित्र भूमि में महायोगी गोरखनाथ की इस पवित्र शिष्य परंपरा के अंदर को ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा जन्म लेगा कि कभी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश का वो मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सोच सकता था। ये केवल मात्र एक गोरखपुर पीठ का ही सौभाग्य नहीं, केवल मात्र इस गोरखपुर शहर का सौभाग्य नहीं, केवल मात्र इस उत्तर प्रदेश का सौभाग्य नहीं, यह संपूर्ण देश का सौभाग्य है कि मैं योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उसके लिए मैं इस देश के बहुत यशस्वी, बहुत ही तेजस्वी प्रधानमंत्री माने योगी जी का भी, माननीय मोदी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कभी इस देश के अंदर राजा जनक होते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि राजा दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिक राजा होना चाहिए,
अनादरणीय योगी जी को देख करके वो बात पुरानी बात याद आती है, मुझे याद आता है कि हमारे देश की संस्कृति पुनः पुनर्जीवित इस देश के तरफ हो रही है। ये महाराणा प्रताप के नाम पर जिस प्रकार से आपने 85 साल पहले अत्यंत आदरणीय योगी जी दिग्विजयनाथ जी ने जब महाराणा शिक्षा परिषद की स्थापना की, किसने महाराणा प्रताप के नाम से शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी? इस देश के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम त्याग के लिए, तपस्या के लिए, दर्द देश वीरता के लिए और दृढ़ प्रतिज्ञा के सारी दुनिया देती है। मुझे मालूम बहुत हमारे विद्यार्थियों शिक्षकों के साथ मालूम होगा, अंतिम समय में हल्दीघाटी युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप जंगलों में रह रहे थे, झोपड़ी बनाकर के घास की झोपड़ी बनाकर रहते थे, घास की रोटियां खाते थे, एक दिन कहते हैं उनके पुत्र अमर सिंह जब पगड़ी बांधते थे, कहते जब बाहर अपनी छान से अपनी झोपड़ी से बाहर निकल रहे थे, उनकी पगड़ी झोपड़ी के अंदर अटक गई और अमर सिंह को इतना गुस्सा आया जो म्यान से तलवार निकाल करके झोपड़ी को उस सिरे को काट दिया। महाराणा प्रताप ये सब दृश्य देख रहे थे। अमर सिंह को ये बात पसंद नहीं थी कि जंगल में एक राजा का बेटा, एक महाराणा का बेटा जंगल में इस प्रकार से भटक रहा हो जिसका खाने का भी कोई स्थान नहीं, घास की रोटी खाने को मिलती हो, बड़ा दुखित। लोग कहते हैं अंतिम समय में महाराणा प्रताप का जवान समय आया, उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, आत्मा जान नहीं रही थी, बहुत परेशान थे। किसी कवि ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, कितना इबरत खेल है, कितना इबरत खेल है मंजर जमाने के लिए, कितना गमगीन से मंजर था, कितना इबरत खेल है मंजर जमाने के लिए, मौत मीठी नींद आई है सुलाने के लिए, मौत मीठी नींद आई है सुलाने के लिए। लोग जमे थे, सैकड़ों लोग जमे थे जंगल के अंदर, जमा है वहां और सबको कफन भी बिक रहा है, और एक कफन भी नहीं था महाराणा के पास। महाराणा का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को फिक्र थी कि महाराणा के अनुरूप उनका कफन के कहां से लाया जाए, जमा में है भाव और सबको कफन की फिक्र है, मरने वाले को मगर अभी भी वतन की फिक्र है, अभी भी महाराणा प्रताप को केवल इस बात की फिक्र थी कि मेरे जाने के बाद ये मेरा बेटा अमर सिंह क्या अपनी जमीन के लिए, अपनी भूमि के लिए वो क्या तपस्या कर पाए। सभी सरदारा ने समझाया, महाराज आप चिंता मत करो, जब तक हम जिंदा हैं इस मेवाड़ की धरती का जो है हम इसकी रक्षा करेंगे। मित्र ऐसे महाराणा प्रताप के नाम पर शिक्षा परिषद की स्थापना करना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत आने वाले हजारों लाखों हमारे शिक्षकों को, हमारे बच्चों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। इस देश को आज सबसे बड़ी जरूरत अगर इस बात की है, इस जन्मभूमि को प्रेम करने वाले, इस देश की संस्कृति को प्रेम करने वाले लोग आज हमारी शिक्षा संस्थान में पैदा किए जाए। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने यही है कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा संस्थानों के अंदर, हमारी शिक्षा के अंदर संस्कार कैसे पैदा किया जाए। आज धीरे धीरे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को ये बात मालूम है। गोरखपुर के अंदर कहो या दिल्ली के अंदर कहो या मुंबई के अंदर कहो, जितने मर्डर होते हैं, जितनी हत्याएं होती है उसे 6 गुणी आत्महत्याएं होती है। आज माँ बाप के लिए लोग जो है सरकारें भी वृद्धाश्रम बनाने लगी। एक दिन संसद के अंदर ये प्रसंग चल रहा था, हमारे विपक्ष के एक सांसद ने इस बात पर सवाल खड़ा किया, इस बार भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने वृद्धाश्रम के लिए बहुत कम बजट दिया है, बजट बढ़ाना चाहिए। मेरा भी उसे नंबर लग गया बोलने के लिए, पार्लियामेंट में नंबर आना बोलने के लिए भी बड़ा कठिन था, लॉटरी का टाइम, लॉटरी का मामला। जब मेरा नंबर आया मैंने कहा इस बात के लिए वृद्धाश्रम के लिए बजट की जरूरत नहीं, हमारे स्कूल और कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों के अंदर केवल एक पाठ देने की जरूरत है कि दुनिया में मां बाप से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं। हमारे बच्चे हमारे पाठ्य पुस्तक हमारे शिक्षक पढ़ाएंगे कि जीवन में मां बाप से बड़ा कोई देवी देवता नहीं होता, तो सरकार को वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आज हम लोग बहुत पिछड़ गए। जो देश कभी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु था, आज केवल मात्र अमेरिका में हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं 76,000 करोड़ रुपए केवल अमेरिका में भेजते हैं हमारे माँ बाप, उससे आधा भी बजट जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नहीं। आज देश कहां चला है? शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आज इस बात को इस बात की जरूरत है कि हमारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जो काम किया था, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को, उस पारंपरिक ज्ञान को किस प्रकार से हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, उसको हम अपने युगानुकूल कैसे करें, और जो बाहर विदेशों के अंदर जो ज्ञान और विज्ञान है उसको हम अपने देशानुकूल कैसे करें। मित्रों, बहुत बच्चे यहाँ पर रहते हैं, सभी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि बच्चों का समग्र विकास कैसे हो सके। केवल मात्र आज जिन बच्चों को यहाँ पर पुरस्कार दिए जाने वाले हैं, यहाँ उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, तो आज शुभकामनाएं भी देता हूँ। केवल मात्र सब्जेक्टों के अंदर, विषयों के अंदर जो है केवल टॉप करना ही काफी नहीं है, अगर हम समग्र विकास करना चाहते हैं, हमारे ऋषियों ने बहुत बढ़िया बात कही। जो बच्चे ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ आकर्षित हो, तो कौन सी बातें हैं, और मैं केवल 5 संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वज ने कहा, जो ऑलराउंड पर्सनैलिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर्सनैलिटी करना चाहते हैं, उनके लिए 5 बातें बहुत जरूरी है। 5 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। उनके वस्त्र कैसे हैं, हम किस प्रकार के ड्रेस पहने, स्कूल में जाएंगे तो किस प्रकार के ड्रेस पहने, दौड़ने जाएंगे, खेलने जाएंगे तो कैसे ड्रेस पहने, कपड़े का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई आदमी अगर कोई कहने लगे मैं जीन पहन करके किसी पीठ का या किसी मंदिर का मैं महंत बन जाऊंगा, लोग पसंद करेंगे क्या? कोई पसंद नहीं करेगा। या कोई लड़की जीन पहन करके शादी की वेदी पर जाएगा तो कितने लड़के उसे शादी करना चाहेंगे? ये कपड़े का इतना महत्व है कि हम कपड़ा क्या पहने। दूसरा, अभी डॉक्टर भगवान सिंह जी कह रहे थे कि हमारे शिक्षा परिषद यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। दूसरा है, हमारा स्वास्थ्य कैसे, हमारी तंदुरुस्ती कैसे हो। आदमी कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर कमजोर है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको कोई पसंद नहीं करता। चाहे कितना भी बड़ा टॉपर हो, फिजिक्स में टॉपर, मैथ में टॉपर, गणित में टॉपर, पेंटिंग में टॉपर, बेचारा चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कौन उसको पसंद करेगा। इसलिए सबके बच्चों के लिए जरूरी है कि हमारी तंदुरुस्ती, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा? एक से सादा फार्मूला ध्यान रखना, एक सूत्र याद रखना, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। बोलो मेरे साथ, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, आए बीमारी तो दिखाओ ठंडा। जो आदमी इन 3 बातों का ध्यान रखता है वो कभी भी बीमार नहीं होगा। पैर गरम का अर्थ क्या है? पैर गरम का डेली एक्सरसाइज करना, डेली व्यायाम करना, प्रतिदिन व्यायाम करना, खेलना कूदना कुछ भी करना, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए व्यायाम करना इतना ही जरूरी है। किसने देखा है, अगर कुत्ते की एक टांग टूट जाए तो किसने देखा कुत्ता धीरे धीरे चल रहा है, 3 टांग पे भी दौड़ता है? घोड़ा बूढ़ा हो जाता है तब भी वो दौड़ता है। अरे पक्षी बूढ़ा हो जाता है तब ये आकाश में उड़ता है। इसलिए प्रकृति का सबसे पहला पाठ क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पैदा होते ही रोता है। जो पीछे इतने बड़े लोग बैठे हैं सबको मालूम है, जो माँ है उनको मालूम है, अगर बच्चा पैदा होते नहीं रोएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये प्रकट बच्चे का रोना ही उसकी एक्सरसाइज है। जब बच्चा रोता नहीं उसको भूख लगती नहीं। इसलिए प्रकृति का सबसे पहला बात क्या है कि हम डेली प्रतिदिन चाहे कुछ भी हो लेकिन व्यायाम करेंगे। करेंगे सब लोग। नंबर 3 बात, वस्त्र ही वाचा। हमारी वाणी बहुत अच्छी होनी, जुबान बहुत अच्छी होनी चाहिए। अरे कितना भी अच्छा शिक्षक हो, कितना भी अच्छा विद्यार्थी हो, अगर उसकी बोलने की उसकी जुबान में गड़बड़ है तो गड़बड़ हो जाता है। अच्छी जुबान से दुश्मनों को मित्र बना सकते हैं और गलत जुबान से दोस्तों को भी
दुश्मन बना सकते हैं। आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना है या नहीं? चाणक्य का शिष्य कौन था? मुझे लगता है इतिहास पढ़ा रहे हैं आप लोग, कुछ लोग बता रहे हैं। कौन था? वेरी गुड, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जब सम्राट बना, जब चंद्रगुप्त सम्राट बना, जिस दिन का राज तिलक हो रहा था, और आचार्य चाणक्य उनके सिर पर जो मुकुट रख रहे थे, उन्होंने कहा चंद्रगुप्त एक बात याद रखना, यह मुकुट तुम्हारे सिर पर मैं रख रहा हूं, लेकिन मुकुट का आधार सिर नहीं है, मुकुट का आधार सिर नहीं। चंद्रगुप्त बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, सिर पर मुकुट रख रहे लेकिन आचार्य गुरु कह रहे हैं कि मुकुट का आधार इस राज सिंहासन का आधार सिर नहीं। तो चंद्रगुप्त ने पूछा गुरु जी उसका आधार क्या है? तो चाणक्य ने कहा इस मुकुट का आधार वाणी है, अगर तुम्हारी वाणी तुम्हारी जुबान अच्छी होगी तो तुम दुश्मनों को दोस्त बना सकते हो, और वाणी की फिर खराब हो जाएगी तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बनाए, इसलिए वाणी का ध्यान रखना। ये भगवान की कृपा देखिए कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान का हर एक चीज, ये शरीर कितना बड़ा वैज्ञानिक है, कितना वैज्ञानिक है इस शरीर के, इतना कितनी वैज्ञानिक है कि वाणी की जरूरत, वाणी कहां दी है? वाणी दी है सिर के और हृदय के बीच में दी है। कहां दी है वाणी? सिर और दिल के बीच में दी है, इसलिए हमारी वाणी के अंदर सिर का मतलब ज्ञान का और वाणी अपने हृदय के, हृदय के भाव का, दोनों का संगम होना चाहिए, दोनों का संगम होना चाहिए। तो वाणी का जुबान का ध्यान रखना है। और चौथी बात हमारे पुरखों ने कही, जो आपसे अपनी पर्सनलिटी को अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हैं उनको ध्यान ये रखना है विद्या, किसी न किसी एक क्षेत्र के अंदर, किसी न किसी एक सब्जेक्ट के विषय के अंदर हमको एक्सपर्ट होना है। अरे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, गणित में अच्छे नहीं है, हिंदी में अच्छे नहीं है, अंग्रेजी में अच्छे नहीं है, तो खेल में अच्छा होना चाहिए, खेल में अच्छा नहीं है तो डांस करने में अच्छा होना चाहिए, डांस में अच्छा नहीं तो म्यूजिक में अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक में अच्छा ना तो किसी दूसरे चीज में अच्छा होना, पेंटिंग में अच्छा होना चाहिए। जिसमें अभिरुचि है, जिसमें रुचि है, जिस भी क्षेत्र में टॉप पे जा सकते हो उसमें अपने को टॉप पे जाना चाहिए, एक सब्जेक्ट। और अंतिम बात यह है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने अंदर कभी भी घमंड, कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, कभी भी अभिमान। हमारे तो विनय जिसके पास विनय है, जिसके पास विनय है जो नम्र है, जो विनम्र है वही कुछ सीख सकता है। और इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा इस बात की है कि शिक्षा कभी भी आदमी की खत्म नहीं होती, न कभी शिक्षकों की शिक्षा खत्म होती, विद्यार्थियों की शिक्षा खत्म होने के लिए इसे रोज अगर कुछ न कुछ सीखते हुए जाने की जरूरत है। मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सब लोगों को एक शिक्षा, एक संकल्प लेकर के जाना है। हम जिस शिक्षा संस्थान में पढ़ते हैं, जिस गोरखपीठ के अंदर हम ये महाराणा शिक्षा पर इसके स्कूल और कॉलेजों में हम लोग पढ़ते हैं, हम देशभक्त बने, इस देश की मिट्टी में, इस देश की मिट्टी से प्रेम करना सीखे, उसके जाकर तपस्या करें। उन पुरखों में हजारों लाखों वर्षों से हमारे पुरखों ने जो संस्कृति हमको दी है उस संस्कृति का रक्षण करने का हम संकल्प लेकर के जाए और इस देश का नाम रोशन करें। यहाँ अपने शिक्षा संस्थान का नाम रोशन करेंगे, इस गोरखपीठ का नाम हम रोशन करेंगे, इस गोरखपुर का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम भी हम रोशन करेंगे। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और पुनः आप सभी का शुभकामनाएं देता हूँ, महाराज जी का पुनः बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सबको सादर नमस्ते करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। प्रधानाचार्य दिव्यनाथ इंद्र कॉलेज चौक बाजार महाराज के पुरस्कृत होते हुए, सम्मानित होते हुए अपनी संस्था के लिए, और इसके बाद योगीराज बाबा गंभीर नाथ स्वर्ण पदक, योगीराज बाबा गंभीर नाथ स्वर्ण पदक, शैक्षिक योग्यता, अनुशासन, प्रभावी शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन की गुणवत्ता और विशेष प्रयास के लिए इस साल श्रेष्ठतम शिक्षक का पुरस्कार दिया जाता है दिव्यनाथ नाथकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के बी एड डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राज शरण शाही बी एड डिपार्टमेंट दिव्यनाथ नाथकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर। इसके बाद ब्रह्मलीन मान दिव्यनाथ स्वर्ण पदक, ज्योति सिंह
एमएड डिपार्टमेंट प्रथम वर्ष दिव्यनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय सिविल लाइन्स गोरखपुर। इसके बाद तैयार रहे राहुल गिरी ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ स्वर्ण पदक के लिए। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जनरल भूषण के राहुल गिरी तैयार रहे। ज्योति सिंह एमएड प्रथम वर्ष दिव्यनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय सिविल लाइन्स ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ स्वर्ण पदक। बिल्कुल तैयार रहे राहुल गिरी। इसके बाद राहुल कांदू एक छात्रा एमएड की ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ स्वर्ण पदक एमएड की छात्रा शिक्षा क्रीड़ा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रदर्शित करने के लिए स्नातकोत्तर के श्रेष्ठतम विद्यार्थी को दिया जाता है ज्योति सिंह को मिला। इसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्वर्ण पदक राहुल गिरी ये स्नातक स्तर के छात्र को दिया जाता है। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जनरल भूषण का एक छात्र जिसे मैं बड़े प्रेम से हनुमान कहता हूँ, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। इसके बाद मेवाड़ महाराणा मेवाड़ स्वर्ण पदक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर के छात्र राहुल कांदू। इसके बाद शोभा यात्रा एवं श्रेष्ठ पथ संचलन का दर्शन लाल झिंगरा स्मृति पुरस्कार महाराणा प्रताप कन्या इंटर कॉलेज रामदत्तपुर गोरखपुर प्रथम, श्री गोरखनाथ विद्यापीठ भरोहिया पीपीगंज द्वितीय, श्री गोरखनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखनाथ गोरखपुर एवं श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ गोरखनाथ गोरखपुर संयुक्त रूप से तृतीय और राजकन्या इंटर कॉलेज रामदत्तपुर गोरखपुर प्रथम, गुरु श्री गोरखनाथ विद्यापीठ भरोहिया पीपीगंज गोरखपुर द्वितीय, गुरु श्री गोरखनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और गुरु श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ संयुक्त रूप से तृतीय भरोहिया। इसके बाद गुरु श्री गोरखनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखनाथ गोरखपुर और संस्कृत श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ गोरखनाथ गोरखपुर संयुक्त। आज आप इधर से निकलना है, आप दाहिने से मंच पर आएंगे और बाएं की तरफ से आप नीचे उतर जाएंगे सारे प्रतिभागी। संस्कृत विद्यालय दोनों संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और संस्कृत विद्यापीठ ये ज्वाइंट विनर रहे हैं थर्ड प्लेस के लिए और प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण संस्था महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स कैप्टन मधु जी के नेतृत्व में और राजनाथ सिंह एवं पैरा मेडिकल कॉलेज आपके सामने पुरस्कार ले रहे हैं। ये पद संचलन में आप 72 वर्ष के हैं और बड़े शानदार तरीके से अभी आप मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हैं। चल वैजयंती प्रदान कर दी गई। इसके बाद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं महाराणा भगवत सिंह स्मृति पुरस्कार गुरु काजल राव ANM हमारे यहाँ नर्सिंग संस्था की बच्ची। इसके बाद डॉक्टर हरिप्रसाद शाही स्मृति पुरस्कार श्री गुरु श्री गोरखनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग के GNM अंतिम वर्ष के सर्वोच्च प्राप्त छात्रा प्रियंका जायसवाल 81.33%। लक्ष्मी शंकर वर्मा स्मृति पुरस्कार सोनाली कुमारी कंप्यूटर अंतिम वर्ष महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर राजकुमार वर्मा दिव्यनाथ इंटर कॉलेज के संगम कुमार कन्नौजिया सुनंदा सागर राम नरेश सिंह स्मृति पुरस्कार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज भाटघाट के हाई स्कूल के प्रथम स्थान प्रमुख और संस्थाओं के प्राध्यापक मित्र अपने बच्चों को भेजने की शीघ्रता करें। राजकुमार संगम कुमार कन्नौजिया राम नरेश सिंह स्मृति पुरस्कार सुनंदा सागर। इसके बाद रत्नांजलि सत्संगी महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांग्लादेश प्रीति शुक्ला BSc सेकेंड ईयर माँ गंगदेवी स्मृति देवी स्मृति पुरस्कार चौधरी रामलखन स्मृति पुरस्कार
दृष्टि जायसवाल बीएससी थर्ड ईयर महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जगत भूषण गोरखपुर। इसके बाद चौधरी कृष्णा स्मृति पुरस्कार अभिनव त्रिपाठी योग्यता छात्रवृत्तियों के लिए नगद पुरस्कार महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर। मैं नाम घोषित कर रहा हूँ, आप बिल्कुल लाइन अप हो जाएं और इसके पीछे महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन तैयार रहे। योग्यता छात्रवृत्ति के लिए नगद पुरस्कार महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर चंदन सैनी कक्षा 6 प्रथम कुमार कन्नौजिया कक्षा 11 द्वितीय शमसुल राजम अंसारी कक्षा 12 प्रथम प्रकाश यादव कक्षा 12 द्वितीय। एमपी इंटर कॉलेज के सभी बच्चे योग्यता छात्रवृत्तियों के लिए आ जाएं। चंदन सैनी सतीश कुमार सानी नितिन कुमार अंकित सिंह नीरज ज्ञान प्रकाश दीप नारायण सिंह लव कुमार भारती भानु प्रताप दीपक कुमार सिंह राहुल कांतो संगम कुमार कन्नौजिया शमसुल राजम अंसारी और विकास यादव। और इसके बाद महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर के योग्यता छात्रवृत्ति के लिए बच्चियां आ जाए। प्रगत उपाध्याय आंचल शर्मा अंशिका त्रिपाठी काजल माधुरी साहनी सपना गौर सूरज सिंह शिवानी चौहान काजल कक्षा 8 द्वितीय। आप वहीं से रैपर खोल करके बेटा लाओ, देर न करो। बड़ी मजबूती से माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए काजल माधुरी साहनी कक्षा 9 प्रथम सपना गौर कक्षा 9 द्वितीय सोनम सिंह कक्षा 10 प्रथम शिवानी चौहान कक्षा 10 द्वितीय सुप्रिया वर्णवाल कक्षा 11 प्रथम अंकिता मिश्रा कक्षा 11 द्वितीय अनु पांडे कक्षा 12 प्रथम खुशी वर्मा कक्षा 12 द्वितीय। बहुत अच्छे महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स की छात्राएं पुरस्कार लेती हुई। और इसके बाद तैयार हो जाएं, लाइन अप हो जाएं। महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल भूषण पहलवानों का कॉलेज पहलवानों की दुनिया महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल भूषण विशाल निशाल कार्तिक प्रजापति हिमांशु पांडे अविनाश तिवारी सुमित निर्जला निशाद रीमा प्रजापति शीतल गुप्ता तान्या तिवारी दिव्या गुप्ता कपिल मुनि प्रजापति रीमा ममता चौधरी और बबली। महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल भूषण के बच्चे एमपी बालिका के पीछे लाइन अप हो जाए। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं पुरस्कार लेती हुई प्रगति उपाध्याय आंचल शर्मा अंशिका त्रिपाठी काजल माधुरी साहनी सपना गौर सोनल सिंह शिवानी चौहान सुप्रिया वर्मा अंकिता मिश्रा अनु पांडे और शिव वर्मा। महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल भूषण महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल भूषण माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारी संस्था का ये कॉलेज महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज पहलवानों की खान है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों पहलवान आपके मेरठ और बागपत की तरह से ही यहाँ से भी निकलते हैं और शिक्षा परिषद का गोरखपीठ का प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। विशाल निशाद कक्षा 6 प्रथम कार्तिक प्रजापति द्वितीय हिमांशु पांडे कक्षा 7 प्रथम अविनाश तिवारी कक्षा 7 द्वितीय सुमित कक्षा 8 प्रथम निर्जला निशाद कक्षा 8 द्वितीय रीमा प्रजापति कक्षा 9 प्रथम शीतल गुप्ता कक्षा 9 द्वितीय तान्या तिवारी कक्षा 10 प्रथम दिव्या गुप्ता कक्षा 10 द्वितीय कपिल मुनि प्रजापति कक्षा 11 प्रथम रीमा कक्षा 11 द्वितीय ममता चौधरी कक्षा 12 प्रथम और बबली कक्षा 12 द्वितीय। महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल भूषण नगर और ग्रामीण क्षेत्र के संघ स्तर पर स्थित ये संस्था लंबे समय तक भाई ब्रह्मदेव जी ने जिसका नेतृत्व किया और हमारे नवागत प्राचार्य भाई मिश्रा जी खेलों की दुनिया में बच्चों को निखारते हैं बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हुए जंगल भूषण कृषक इंटर कॉलेज के बच्चे। इसके बाद महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला देवी मंदिर बेतिया हाथा मंगला देवी के बच्चे दिव्यांश मौर्य आलोक गुप्ता शाम्भवी पांडे सलोनी राव साक्षी गुप्ता शाम्भवी शुक्ला शिवांग चौरसिया प्रियांशी पांडे अविनाश वर्मा रघुवीर सिंह खुशबू जिसके बच्चे दिव्यांश मौर्य कक्षा 6 प्रथम आलोक गुप्ता कक्षा 6 द्वितीय शाम्भवी पांडे कक्षा 7 प्रथम सलोनी राव कक्षा 7 द्वितीय साक्षी गुप्ता कक्षा 8 प्रथम शाम्भवी शुक्ला कक्षा 8 द्वितीय शिवांग चौरसिया कक्षा 9 प्रथम
प्रियांशी पांडे कक्षा 9 द्वितीय, अविनाश वर्मा कक्षा 10 प्रथम, रघुवीर कक्षा 10 द्वितीय, खुशबू निषाद कक्षा 11 प्रथम, वैभव कुशवाहा कक्षा 11 द्वितीय, सौरभ शुक्ला कक्षा 11 द्वितीय, रत्नांजलि सत्संगी कक्षा 12 प्रथम और स्नेहा मौर्य कक्षा 12 द्वितीय। माना प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मरना देवी मंदिर में किया आदा के बच्चे, इतने सारे बच्चे इतने परिश्रम के बाद अपने को निखारते हुए तराशते हुए पुरस्कार ले रहे हैं और दर्शक के दीर्घा में आप बिना ताली बजाए बैठे। जिन लोगों ने पुरस्कार लिया उन्होंने बड़ी मेहनत किया, थोड़ी मेहनत आप भी करें और तालियां बजाते रहें। अगले साल आप पुरस्कृत होंगे तब तालियां हम लोग बजाएंगे। पढ़ाई कम लड़ाई ज्यादा, पढ़ाई कम कुश्ती ज्यादा। माना प्रताप कृषक इंद्रकाले, विशाल निशाल, कार्तिक प्रजापति, हिमांशु पांडे, अविनाश तिवारी, इसके बाद तैयार हो जाएं। गुरु श्री गोरखनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के बच्चे विकास कुमार पांडे, रजनीश उपाध्याय, अमित कुमार पांडे, शिवांशु मिश्र, वीनू तिवारी, विद्युत तिवारी, विशाल शुक्ल, सत्यानंद पांडे, अवनीश तिवारी, सौरभ तिवारी, शशांक पांडे, अमित पांडे, वीनू तिवारी, हरिमोहन तिवारी, संस्कृत विद्यालय के गुरु श्री गोरखनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखनाथ पांडे गोरखपुर, विकास कुमार पांडे, रजनीश उपाध्याय, अमित कुमार पांडे, सुभाष मिश्र, विनु तिवारी, विदुर तिवारी, विशाल शुक्ल, सत्यानंद पांडे, अवनीश कुमार तिवारी, सौरभ तिवारी, सुशांत पांडे, अमित पांडे, विनु तिवारी और हरिमोहन तिवारी। मुख्य अतिथि महोदय, संस्कृत की शिक्षा के लिए गोरखनाथ प्रांगण में हमारी दो संस्थाएं हैं, एक संस्कृत विद्यापीठ और एक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और इन दोनों संस्थाओं को गोरखपीठ द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जाती है। संस्कृत की शिक्षा के लिए हमारे दोनों संस्थान गोरख प्रांगण स्थित। इसके बाद दिव्यनाथ इंटर कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज के बच्चे लाइन नंबर हैं। दिव्यनाथ अब भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल शाहपुर गोरखपुर के बच्चे पूजा कुमारी, विनीता सोनकर, गुड़िया पाल, अहमद रजा, नाजमीन जहां, उषा यादव, शाली मध्यसिया, संगीता यादव, संध्या पाल और परवीन बानो। इसके बाद तैयार रहा है सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष चंद्र बोस नगर गोरखपुर। माध्यमिक स्तर पर एक प्रेस्टिजियस संस्था महानगर की सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष चंद्र बोस नगर। बच्चे लाइनअप हो जाए, पीयूष सिंह, उत्कर्ष सिंह, राष्ट्रभूषण सिंह, शशांक त्रिपाठी, रुद्र दुबे, आयुष पांडे, अभिषेक दुबे, वेदानंद झा, कुमार क्षिति, राहुल कुमार, अभिजीत श्रीवास्तव, आदित्य प्रताप सिंह, अंकुश तिवारी और शिवांश तिवारी। सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीयूष सिंह, उत्कर्ष सिंह, राष्ट्रभूषण सिंह, शशांक त्रिपाठी, रुद्र दुबे, आयुष पांडे, अभिषेक दुबे, वेदानंद झा, क्षितिज कुमार, राहुल कुमार, अभिजीत श्रीवास्तव, आदित्य प्रताप सिंह, अंकुश तिवारी और शिवांश तिवारी। इसके बाद सरस्वती बालिका विद्यालय सूर्यकुंड गोरखपुर, सूर्यांशी मिश्रा, सौम्या पांडे, अंशिका चौधरी, नेहा सिंह, अमीषा यादव, कीर्ति मिश्रा, नम्रता सिंह, निधि रौनियार, नीति दुबे, रितिका पांडे, ऋषिका श्रीवास्तव और प्रतिभा यादव। इसके बाद ग्रामवासी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज विश्वनाथ चौक सोनौरा बुजुर्ग कैंपियरगंज, कैंपियरगंज के बच्चे लाइनअप हो जाए। इसके पीछे रुद्र प्रताप मौर्य, रितु यादव, कृष्णा सिंह, दयाशंकर सानी, सोनी मौर्य, सुमन मौर्य, मनीष चंद मौर्य, श्रेया यादव, चंदन सिंह, घनश्याम वर्मा, प्रियंका सिंह, विजयलक्ष्मी यादव, सुलेखा सिंह, निशा यादव, सीमा सिंह। ग्रामवासी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज विश्वनाथ चौक सोनौरा बुजुर्ग कैंपियरगंज गोरखपुर के बच्चे। इसके बाद आज मंच पर ग्रामवासी इंटर कॉलेज
विकास मुक्त प्रदेश का सृजन करने वाले और एक जनून के साथ जिंदगी जीने वाले राष्ट्रीयता और मातृभूमि के समर्पित हम सब के मार्गदर्शक, हम सब के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व कुलपति और महाप्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, अयोध्या से पधारे दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह जी, माणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ सदस्य और जिनका माणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से यहाँ पर सम्मान हुआ है, वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान से प्यारे मोहन सरकार जी, वरिष्ठ अधिवक्ता से धर्मेंद्रनाथ वर्मा जी, मंच पर उपस्थित माणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए प्राचार्य प्रधानाचार्य और शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, माणा प्रताप शिक्षा परिषद प्रतिवर्ष 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अपने संस्थापकों के प्रति और शिक्षा परिषद के उन्नयन में जिन विभूतियों ने योगदान किया है उन सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए संस्थापक सप्ताह का यह समारोह आयोजित करता है। साप्ताहिक कार्यक्रम में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ साथ माणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं को योग्यता छात्रवृत्ति और जो प्रतियोगिताएं इस अवसर पर संपन्न होती हैं पुरस्कार वितरण का एक मुख्य समारोह आज यहां पर संपन्न होता है। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और जल संसाधन राज्य मंत्री के रूप में अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति शिक्षा परिषद की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूँ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण के पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हमारे छात्र छात्राओं के सामने ऐसा व्यक्तित्व आए जिसने अपने कृतित्व से समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया हो। आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी आप सब जान रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। मंत्री से पहले भी उन्होंने एक आईपीएस के रूप में जो उल्लेखनीय सेवाएं की हैं, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए उस क्षेत्र में जो सम्मान अर्जित किया, बागपत के एक छोटे से गांव में आपका जन्म होता है और आप जैसे ही छात्र के रूप में अपना अध्ययन का कार्य पूरा करते हुए भारतीय संस्कृति अपनी परंपरा महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए
जीवन पर्यंत किस ईमानदारी के साथ आपने पूरी सेवा की और आज सार्वजनिक जीवन में आकर के भी उसी निष्ठा उसी ईमानदारी के साथ आप अपनी सेवाएं इस देश को प्रदान कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये कि अगर संकल्प हो और एक संकल्प कोई भी छात्र या छात्रा ले ले तो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकता है। कहा गया है कि जहां चाह वहां राह। अगर आपने संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्पित है कि मुझे इस कार्य को करना है, तो फिर आपके मार्ग में सफलता को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस संकल्प के अनुरूप परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अक्सर होता है कि हम छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी असफलताओं से घबराता है या थोड़ी सी सफलता से आत्मुग्ध होकर के अहंकार में भर करके व्यवस्था को ही चुनौती देने लगता है तो सफलता भी व्यक्ति के लिए खतरनाक होती है और विफलता से घबराना भी किसी खतरे से कम नहीं। और मुझे लगता है कि इसका बेहतर समन्वय आपने देखा है आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के। पुलिस सेवा की अपनी सफलतापूर्वक सेवाओं को करते हुए बिना किसी दाग लगे, बिना किसी झुके, बिना किसी रुके और बिना किसी अपने कर्तव्य से डिगे, कैसे व्यक्ति अपने उस मिशन में सफल हो सकता है, उसकी एक प्रतिमूर्ति है आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। और इसलिए हमारे छात्र छात्राओं को उन्होंने अपना बहुमूल्य उद्बोधन दिया। आज का इस समारोह इन सभी छात्र छात्राओं के प्रति बधाई और शुभकामनाओं का भी है। वर्ष भर विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और से संबद्ध संस्थाओं में चलते हैं और इस साप्ताहिक संस्थापक सप्ताह समारोह के दौरान भी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों को भी आपस में जोड़ करके एक विशाल पुरस्कार वितरण का जो समारोह होता है, ये मुख्य समारोह, इस समारोह इन छात्र छात्राओं को अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने का ही एक मंच है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा अकादमिक मंच जिसमें एक साथ शिशु स्तर से लेकर के और पीजी स्तर तक के छात्र छात्राओं को एक साथ सम्मानित करके उन्हें पुरस्कृत किया भी जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य भी यही है। हमारे संस्थापकों ने इसके पीछे का उद्देश्य ही रखा। 1932 में जब एक पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी, उस समय के गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति का अनुमान आप सहज लगा सकते हैं कैसी स्थिति रही होगी। उन स्थितियों में साधन के अभाव के बावजूद एक इच्छा थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा का लाभ अपने देश और समाज को दे सकें। इस दृष्टि से जो एक कार्यक्रम 1932 में उन्होंने प्रारंभ किया, 1932 का वह कालखंड जब देश आजाद नहीं था, देश के अंदर हमारे जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, देश की आजादी को लेकर के उनके द्वारा अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास हो रहे थे, वहीं साथ ही साथ देश की स्वाधीनता के आंदोलन में सक्रिय सहभागिता निभाने के साथ साथ जिस महापुरुष ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की,
वे गोरक्ष पीठाधीश्वर परमवीर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज जी। माणा प्रताप शिक्षा परिषद शिक्षा स्वास्थ्य और सेवा के अपने इन कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ा सके, उस कड़ी को और एक नई जीवंतता प्रदान की ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने। माणा प्रताप शिक्षा परिषद आज भी उन शिक्षा के उन लक्ष्यों को जो हमारी राष्ट्रीयता के साथ जोड़ सके, जो हमें हमारी परंपरा के साथ जोड़ सके, जो हमें हमारे जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उन्मुख कर सके, उस ओर निरंतर प्रयत्नशील है। एक प्रसन्नता का विषय है जो प्रतियोगिताएं हुई हैं वे स्थिर रही हैं और हमारा प्रयास होगा कि माणा प्रताप शिक्षा परिषद निरंतर अपने संस्थापकों की मूल भावनाओं के अनुरूप इन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती रहेगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी की दृष्टि से राज्य है और सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हमारे सामने चुनौती भी उसी रूप में है और इसीलिए हम लोगों का एक प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो। उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं भी किसी भी अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा में अपने आप को सक्षम पा सके, उन्हें भारत की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत करने वाली शिक्षा दी जा सके, अपनी परंपराओं के साथ जुड़ने वाली शिक्षा दी जा सके, मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करने वाली शिक्षा दी जा सके और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यहां के छात्र छात्राएं अपना स्थान बना सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक प्रयास प्रारंभ किया है। हमारा प्रयास है कि नए सत्र में नए पाठ्यक्रम के साथ एक नए दृष्टिकोण के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के किसी भी छात्र छात्रा के अंदर यह भाव पैदा ना हो कि मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं। उत्तर प्रदेश का यह भाव उसे गौरव की अनुभूति करा सके, इस विश्वास के साथ हम लोग इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किए हैं। मेरा यह मानना है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर ने भरपूर क्षमता दी है, लेकिन उस क्षमता को बेहतरीन मंच देने और बेहतरीन दिशा देने के लिए योग्य योजक की आवश्यकता है। उस योजक के रूप में हमारे शिक्षकों को, हमारी संस्थाओं को अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सदैव आगे आना होगा। अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, यानी कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, कोई मनुष्य अयोग्य नहीं है, आवश्यकता है योग्य योजक की जो उसको उसके क्षेत्र और उसकी रुचि के अनुरूप क्षेत्र को लेकर के उसे पारंगत कर सके, उसकी प्रतिभा का लाभ देश और समाज को प्रदान कर सके। और इस दृष्टि से माणा प्रताप शिक्षा परिषद का एक जो पुरस्कार वितरण का एक कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, यह समारोह उसका एक लघु स्वरूप है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विभूति को, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक छात्र छात्रा को हम लोग समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक मंच देने में सफल होंगे। जिन छात्र छात्राओं को आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी भरपूर प्रतिभा का लाभ लेकर के अपने की अपनी योग्यता साबित की है, उन सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जो छात्र छात्राएं किसी कारण से सफलता नहीं प्राप्त कर पाई, हमें विश्वास है कि वे फिर से प्रयास करेंगे और
ही अच्छा करने की क्षमता सदैव बनी रहती है, उस और भी अच्छा करने के लिए वे अपने आप को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर इस संपूर्ण यज्ञ में सहभागी बने हुए सभी संस्थाओं, सभी प्रबुद्ध जनों, सभी शुभेच्छुओं और माणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य प्रधानाचार्य सभी शिक्षकों प्राध्यापकों के साथ साथ प्रतिभागी सभी छात्र छात्राओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि माणा प्रताप शिक्षा परिषद के गौरव के अनुरूप, अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप माणा प्रताप शिक्षा परिषद और से संबद्ध संस्थाएं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदू चेतना मंच के अध्यक्ष रघुवंश हिंदू ने रविवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह की अहम भूमिका थी, इसके बावजूद इन्हें क्रांतिकारी का दर्जा नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह के याद में 23 मार्च को पैडलेगंज से सूबा बाजार तक मानव श्रृंखला बनाकर विश्व का सबसे लंबा तिरंगा लहराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 21,000 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। झंडा का वजन करीब 12 से 13 कुंटल होगा। आतंकवादी करना, तो ये कार्यक्रम करके भगत सिंह को ये दिखाया जा रहा है कि अगर सरकार इस पर काम नहीं कर पा रही है तो ये सामाजिक संगठन सभी लोग मिलकर के भगत सिंह को पूरे विश्व को बताएंगे कि इतने कम उम्र में कैसे जो है कि कोई क्रांतिकारी अपने देश के लिए काम कर सकता है। तो ये इसलिए भगत सिंह का, नहीं तो हमारे सभी जितने भी क्रांतिकारी हैं सम्मान मिलना चाहिए, उसी सम्मान वो सम्मान नहीं मिला, इसके कारण ये दिन शहीद दिवस का दिन चुनाव किया गया है। और इसमें आप सभी लोगों से, सभी आम जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। जनता के माध्यम से आज बताना चाह रहे हैं कि भगत सिंह हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको आतंकवादी कहना इस देश के लिए सबसे बड़े शर्म की बात है, और उनको सरकार को जो सम्मान दिलाना चाहिए अगर नहीं दिला पा रही है तो हम सामाजिक संगठन के लोग मिलकर के पूरे विश्व में इस बात को दिखाएंगे कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, वो आतंकवादी का नाम प्रोफेसर्स लोग कुछ ऐसे देशद्रोह करने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का मुंह पर तमाचा मार रहे हैं कि सामाजिक संगठन मिलकर के विश्व के सबसे लंबे तिरंगे को भगत सिंह को समर्पित करेंगे, जिसे पूरा विश्व जानेगा कि ये भगत सिंह कौन थे, भारत से कौन थे। ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। पूरी योजना बताइए, क्या कितने क्विंटल का आप बता रहे हैं? ये तिरंगा लगभग 9 किलोमीटर से ऊपर ही जाएगा जितना भी बन रहा है, और ये लगभग 12 से 13 क्विंटल का इसका वजन होगा। इसमें 21,000 से ऊपर बच्चे इस तिरंगे को पकड़ेंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे, और उसमें भारत के बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित होंगे, गोरखपुर के तो सभी लोग उपस्थित होंगे, कम से कम 35 से 40 हज़ार जनता इसमें उपस्थित होगी उसको देखने के लिए। ये होगा। कहाँ से ये मानव श्रृंखला कहाँ शुरुआत हुआ, कहाँ खत्म हुआ? मानव श्रृंखला अभी योजना जो है उसमें पैडलेगंज से लेकर के रामगढ़ ताल के चारों तरफ से होते हुए और सूबा बाजार बाईपास तक का है, जहाँ ट्रैफिक भी नहीं रहता है और पूरी आसानी से हम इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। ये हम लोगों की योजना है मानव श्रृंखला। सहजनवा पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब कालेसर पर स्थित जीरो पॉइंट पर मोटरसाइकिल और अन्य गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल बरामद की जो पहले से ही संबंधित थाने में चोरी की सूचना में दर्ज थी। पकड़े गए मोटरसाइकिल और अभियुक्त की निशानदेही पर दो अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। इस मौके पर मानवाधिकार संगठनों द्वारा लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत रविवार को चेतना तिराहे पर जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में संगठन के सदस्यों ने लोगों को मानवाधिकार के संबंध में बताकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान शिविर में आए लोगों ने संगठन की निःशुल्क सदस्यता भी ग्रहण की। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का हुआ समापन। तिथियों ने छात्र छात्राओं को कर्मठ और संस्कारिक बनने की दी नसीहत।
को हिंदू चेतना मंच लहराएगी विश्व का सबसे लंबा तिरंगा। वाहन चेकिंग के दौरान सहजनवा पुलिस को मिली सफलता, बरामद की 3 मोटरसाइकिलें। और विश्व मानवाधिकार दिवस पर लोगों के अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़। नमस्कार।